एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर कंपैरिजन वीडियो, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपन लोग कंपैरिजन वीडियो डालते रहते हैं और आप लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर पे, ठीक है। तो हियर इज द तीन बाइक्स, ड्यूक 125, NS160 और NS200, मतलब सॉरी NS200, 160 एंड 125। तो यार देखो, तुम्हें भी रिजल्ट पता है, ये पहले से मतलब बोलते हैं ना कि रिजल्ट तुम्हें पता है कि क्या आने वाला है, कि क्योंकि देखो यार 125cc, 200cc और 160cc में तीनों में अलग अलग कंपैरिजन है। और तुम्हें भी पता है ये चीज़ है कि यार पहले से ही रिजल्ट पता है कि क्या होना है, बट फिर भी ना कहते कहते आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर अपन ने ला दी है ये वीडियो, जिसमें अपन तीनों गाड़ियों का कंपेयर करेंगे। और मे भी हो सकता है इनिशियल में थोड़ा बहुत ये बीट कर पाती नहीं कर पाती, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूक 125 में तुम्हें भी पता है KTM इनिशियल में बहुत ज़्यादा काम करता है और NS अपने टॉप एंड में भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और अभी क्या पुरानी वाली जो NS थी तो वो तो 20 थी, बाकी नई वाली NS भी बहुत टॉप नॉच ही अच्छी पावर और अच्छी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है भाई, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी अपन ऐसे नॉर्मली अपन रेस कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टू सिक्स गियर तक के अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। ये इसकी 160, 200 और अपन लोग तीन बाइक है, तो पहले अपन लोग 160 के साथ करेंगे, फिर 200 के साथ करेंगे। वैसे तो भाई दबे मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये 200 हमारे पास है नहीं, दो ही 160 है, ये है हमारी एक 200, देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद एक स्विच करते हैं, ये देखो यहाँ पर भी 200 एंड फिर आप आओगे तो इधर भी 200, लेकिन इधर मोए मोए हो गया, यहाँ दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, ये देखो 160 160 60, 260 cc की गाड़ी चला रहे हम। अगर पूरी सीसीया भी कैलकुलेट करें तो कितनी होती मैक्स खराब होगी भाई, 360 अबे सबका मिला के, सबका मिला के अपनी 360 हो गई, 160 जो होगा अपने 520। हाँ कंट्रोल कंट्रोल। सो अभी अपन लोग देखो, पहले अपन चलाएंगे पहले अपनी ड्यूक 125 फर्स्ट टू सिक्स गियर तक के मतलब करेंगे, पहले इनिशियल भी देखेंगे, टॉप एंड भी देखेंगे, और जो भी बेटर परफॉर्म करेगी उसके अकॉर्डिंगली अपन आप लोगों को रिजल्ट बताएंगे कि कैसा पावर है, कैसी क्या चीज़ें मिल रही है। फिर उसके बाद अपन गाड़ी स्विच करेंगे। कई बार आप लोगों को डाउट हो जाता है ना यार, राइडर पे भी दम होना चाहिए। यार यहाँ पर जो राइडर है ना वो मतलब पुराने राइडर्स की तरह नहीं है कि जहाँ पर आपको इनिशियल पे और राइडर पे कंपैरिजन मिलेगा, नहीं यहाँ पर भाई अंधे में चला देते हैं, ठीक है। तो वो बाकी से ये चीज़ें आप घर पे बट ट्राई कर देना, क्योंकि यार हम लोगों सेफ्टी के साथ रहते हैं, ठीक है। और ये हाईवे है और मतलब यहाँ पर ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत क्राउड है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कंपेयर कर रहे हैं, मैं बैठ रहा हूँ NS पे, मतलब ड्यूक पे, एंड भाई यहाँ पर राइडर चलाएंगे अपने NS। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ओके। तो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मार गई, 2 3 लेट्स गो, मार गई भाई NS160 तो। भाई तुम कभी की छोड़ दी मेरे को पीछे यार, वो निकल गया भाई, निकल गया। चलो यार पता नहीं क्या हुआ है, मतलब पकड़ने की दूर की बात है, इनिशियल से ही उसने स्टार्ट से ही खेल दिया। एक बार वंस मोर हम ट्राई करते हैं, है ना, स्टार्टिंग से, ठीक है भाई। और सच बता रहा हूँ, मतलब वो रहता है ना यार कि राइडर पर भी डिपेंड करता है, उसने जो छोड़ा मैं पकड़ भी नहीं पाया भाई, वो 107 108 मेरी भी जा रही थी, बट नो कंपेरिजन भाई, नो कंपेरिजन। बाकी फिर भी ट्राई करने की जाता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि रिजल्ट आप लोगों को मैंने क्लियरली बता दिया था 160 और 125 में क्या डिफरेंस है, बट हम लोग फिर भी ये देख रहे थे एक लाइक काइंड ऑफ फेस बोल सकते हैं कि जो NS160 है, ड्यूक 125 है, मतलब उसको बीट नहीं कर पाएगी लेकिन टक्कर की गाड़ी है,
समझ रहे हो तुम, मतलब उसको हरा नहीं सकती लेकिन उसके साथ साथ चल सकती है। तो बाकी यार देखो सीसीबी मैटर करती है और बाकी चलो यहाँ पर करते गाड़ी स्विच कि यार देखो क्या करते, ट्राई करके देखते गाड़ी स्विच करके कि मे भी हो सकता है, क्योंकि देखो यार मैं इतना ज़्यादा नहीं भगाता और दूसरी गाड़ियों में मेरा कंट्रोलिंग कम है, तो अब मैं वो चलाऊंगा और बाकी फिर भी वो तो अंधी में इसको भी पेल देगा ये मुझे पता है। तो फिर अपन गाड़ी स्विच कर रहे हैं, मैं 160 चला रहा हूं और वो दूसरा राइडर अपनी चला रहा है Duke 125। तो ट्राई करके देखते हैं, मे भी इसमें पावर तो वैसे ज़्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते हैं जीतने का। लेकिन ऐसा है कि ड्यूक ने ना इसे आँखों से दूर नहीं जाने दिया, वो बोल सकते हैं। बाकी चलो एक बार आप NS की पावर चेक करते हैं। चलो 1 2 3 अबे पता है मैं इसने ड्यूक चलाई वो पीछे छोड़ दिया मेरे को। इसमें सीखे 5-6-5 ही गियर है ना, मैं गियर ढूंढता रहा छिटवा। गियर मांग के डलता नहीं है ना परसों भाई भाई भाई, भाई सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई भाई। हेलो मैटर करता है, राइडर भी मैटर करता है, वो पूरा ऐसा हो गया चलने दिया छू और मैं छटवा गाड़ी ढूंढते रहा वो आंखों से ओझल। भाई मैंने 5 ही डाला था उसे, उसने भी 5 ही डाला था बताओ, नो कंपैरिजन भाई यार उसे छे, मैंने 5 ही डाला छटवा के नहीं डाला। लो मतलब देख लो टक्कर की गाड़ी है ना भाई, ड्यूक है नहीं चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड होता है भाई। ये देखो अब क्या बताऊं, देखो भाई इसको से लगी है फिर भी बोलता है नहीं भाई तुमने बोला है ना वीडियो के लिए बिल्कुल बनाएंगे, तो भाई नो डाउट गाड़ी दोनों ही बहुत प्यारी है। आप किसका तो नहीं तो 200 भी लिया उसके आगे तो नहीं जीत पाएगी। हाँ देख 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 जाएंगे जहाँ तुम बोलोगे क्या यार मेरा लुंडा हो क्यों रे इतना प्यार। चलो ठीक है मंडी के ऊपर सही, नो डाउट आप लेके जा सकते हो, अगर इस पे भी जाना चाहो या NS पे भी जाना चाहो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इट्स द पावरफुल बाइक। हां पावरफुल बाइक, कृपया अगर यही ले। अच्छा लेने को ये भी ले सकते हो वो भी ले सकते हो, दोनों है, वो बस वो आपके ऊपर है कि आप मेंटेनेंस कितना दोगे इसको। लोगे पैसा बचाओगे, पैसा नहीं बचाओगे इसको लोगे तो तुम यमराज के मतलब साथ में ही चल रहा हो ये मान के चलना, और उसको लोगे तो पैसा खर्च नहीं, नहीं उसके लिए तो पैसा खर्च होगा, बाकी जो यमराज का असिस्टेंट होता है ना उसके साथ चल रहा हो, बाकी इसके लेने के लिए तो आपको यमराज को एक पत्र लिखना पड़ेगा। मैं कभी भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो इतना जानता हूँ मैं आज है जो भी हूँ, अब मैं मेरे हेलमेट के चक्कर में आज मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मेरी तो, और मैं इन सींगों के चक्कर में जिंदा हूँ अभी अभी लिए मैंने ताजे ताजे सींग। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी देखो यार वो राइडर प्रो प्लेयर था, अभी अपन रिटर्न में ना एक न्यू राइडर के साथ भी जाएंगे एक बार ट्रैक चेक करने के लिए, मिल लोगों की मेहरबानी से जिंदा हूँ। हाँ अभी एक हमारे पास एक न्यू राइडर भी है उसके साथ भी चेक करेंगे, ठीक है बहुत उंगलियाँ दिखाता है, देखते हैं अभी देखते हैं, अभी रोड पे लिख लो, रोड पे लिख लो बंद कर दो तुमने, नहीं अभी नहीं किया अभी करा, राइडर चेंज करा रहे हैं, मेरे को अपने आप पे डाउट हो रहा है, उसने तो मेरी बैंड बजा दी
बाकी इससे कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या ये भी हमारी बैंड बजा पाएगा। लेट्स सी, आओ इधर आओ। 2-3 लेट्स गो। मैं खेल ही नहीं रहा भाई, वो तो कम से कम साथ में था, ये तो भग ही गया यार। भाई बड़ी गंदी पिटती यार गाड़ी यार, शिट यार। भाई भाई साहब कैसा लगा आपको? हम खेल ही नहीं रहा अब तो, मैं नहीं खेल रहा भाई, जायजाद से बेदखल हो गया मैं। भाई बहुत गंदे तरीके से पीटा भाई, सही बता रहा हूँ। पीछे का वीडियो बनाइए क्या, बढ़िया यार। चलो भाई चाय नाश्ता करते हैं, मतलब चाय पीते हैं। बाकी तुम लोगों ने कंपैरिजन तो देख ही लिया, गाड़ी मतलब अगर 125 और 160 का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है, मतलब ये रहता है दो टाइप की गाड़ी होती है कि थोड़ा सा तुम्हें गाया भी कर देंगे। हमने इधर की वीडियो बनाई, सामने की वीडियो नहीं बनाई, सकते मेरे को तुम दोनों को जा रहा हूँ। हाँ दो बार हार के कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। रुक जाओ, 390 लेके आओ। 390 भी ले आओ। ठीक है भाई, अब हो गया भाई, अब नहीं खेल रहा।